सो गाइस, आज हमारे पैकअप का दिन है। आज हमारा लास्ट डे है मसूरी के अंदर। अभी बस हम जाएंगे मसूरी लेक और मसूरी एडवेंचर पार्क। इसके बाद हम देहरादून जाएंगे, बस पकड़ेंगे और सीधा जयपुर। थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे ट्रिप के लिए। ट्रिप भी बहुत अच्छी हुई है और अब जाना पड़ रहा है तो बहुत दुख तो होता ही है। और ये हमारे बच्चे बैठे हैं उदास से, ऐसा लग रहा है यही बोलोगी मैं बहुत उदास हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? ये उदासी वाली खुशी है, जैसे जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, ये उदासी वाली खुशी है। दुख हो गया कि रोना नहीं पा रहा। कैसा लगा? तो दीपा का फ्रेंड बनना। वैसे ट्रिप कैसी गई थी? अच्छी, मजा आया था। उदास दिखाना है तो आज लास्ट डे और है। पहले दिन तो अच्छा नहीं गया, इतनी धूप हो रही थी मेरी हालत। सेकंड डे कैसा था हमारा? सबसे अच्छा बेटा, सबसे अच्छा सेकंड डे था। आज हमारा लास्ट डे है तो सब अच्छे से एंजॉय करेंगे ताकि हमारी ट्रिप का एंड बहुत अच्छा हो। तो बाय बाय बेल माउंट। हमारा यहाँ पे स्टे बहुत अच्छा रहा। यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, रूम सर्विस भी बहुत अच्छी है, पूरे जगह बहुत अच्छी है। तो आप लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। गाइस, अब हम मसूरी लेकर आ चुके हैं और आज का दिन हमारे पास है एंजॉय करने के लिए। जो हमारी चीज़ें बची हैं वो सब कवर करेंगे हम। यहाँ की भी पार्किंग चार्ज जो लगी है वो कार के लिए लगी है 100 रुपीज़। और यहाँ से तो थोड़ी भीड़ दिख रही है, टिकट चार्ज शायद यहाँ भी मुझे लग रहा है। देखती हूँ अभी अंदर की तरफ जाके कि यहाँ का टिकट कितना है। 5 टिकट ही लेंगे बस, बाकी अगर 5 देख लेना इनको, तो 5 साल वाला है तो बिल्कुल 5 ही लेनी है पक्का। यहाँ पे टिकट का चार्ज है गाइस 30 रुपीज़ पर पर्सन। और हम लोग 6 हैं बट हम लोग 4 रुपये का टिकट नहीं लेंगे क्योंकि शायद 5 साल से कम के बच्चों का चार्ज नहीं लगेगा, पूछना पड़ेगा एक बार। सो गाइज, एंट्री कर रहे हैं मसूरी लेक में। टिकट हम ले चुके हैं और यहाँ भी आपको बहुत नीचे तक चलना पड़ेगा, ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं, थक भी जाते हैं चलते चलते, लेकिन मज़ा आता है। और बस यही हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, देखते हैं कैसी लेक है। देखो, आप देख सकते हो कितना नीचे तक जाना पड़ेगा हमें, तब हमें वो लेक दिख रही है। सो गाइज, ये है मसूरी लेक जहाँ लोग बोटिंग कर रहे थे। मौसम बहुत अच्छा नहीं था, काफ़ी धूप हो रही थी, इसीलिए इरिटेशन हो रही थी हम लोगों को। लेक भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और आसपास जो एरिया है जहाँ खाने पीने के ढेर सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं, मुझे वो भी कोई खास नहीं लगे यहाँ पर। क्योंकि गलती से हम लोग वॉशरूम चले गए थे जो नीचे की साइड में था, इतना गंदा इतना स्मेली वॉशरूम था वो, और वहीं वॉशरूम के पास में ही वो सारे बर्तन धुल रहे थे जिन बर्तनों में ये लोग ऊपर रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं। तो जिस तरीके से वो बर्तन धुल रहे थे ना, अगर आप लोग देख लेते तो कोई भी वहाँ खाना पसंद नहीं करता। तो गाइस, ये है बोटिंग टिकट काउंटर, 50 रुपीज़ पर पर्सन। बस यहाँ से बच्चों के टिकट ले लेते हैं अभी हम, फिर यहाँ इस तरह से बच्चे बोटिंग कर लेंगे। ले ले टिकट, चलो फिर आओ बच्चों इधर से। सो गाइस, बच्चों को तो बोटिंग करवा दी थी लेकिन हमारा बोटिंग का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि बहुत गंदी वाली धूप थी, पसीने बह रहे थे, तो हम और धूप में नहीं रहना चाह रहे थे। लेकिन वहीं हमने पास में पैराग्लाइडिंग का ऐड देखा, क्योंकि वैसे भी हम मसूरी लेक के बाद पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाने वाले थे, पर वो चीज़ हमें यहीं दिख गई। थोड़ा ऊपर की साइड जाकर यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो फिर ये बोटिंग होने के बाद हम सीधे वहीं चले गए थे। बस आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बोटिंग में। सच में? हाँ, ऐसा लगता है जैसे कार चला रहे हो उसको। हाँ बेटो, मजा आया, सब लोगों से ठुके भी, मजा आया। ये है पैरा, अब शिवी हमारी पैराग्लाइडिंग करेगी। पैराग्लाइडिंग अच्छी बहुत लगती है और हमने क्या इसके बारे में पहले बहुत सुन रखा था कि थोड़ी सी डेंजरस होती है या मिस हैपनिंग भी हो जाती है, थोड़ा डर तो था लेकिन फिर भी करने की इच्छा थी, तो एक बार शिवी को करवाई हमने। इसका चार्ज बहुत ज़्यादा था, 1500 रुपये तो इसका चार्ज था, और इसके अलावा अगर आप अपनी वीडियो शूट करवाना चाहते हैं तो उसका 300 एक्स्ट्रा अलग से था। यार ये भी कोई बोलने की बात है, कुछ अच्छा था बोलो। शिवी को बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार जब शिवी ने की तो इसके बाद सबके अंदर हिम्मत आ गई और फिर एक एक करके सबने की और हम लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये यही उड़ा के आ गए थे। शिवी कैसा लगा? अच्छा, मजा आया। हाँ। तुम तो बहुत डर रहे थे। डर भी लगा था, बीच बीच में कहीं पेड़ों पे ना गिर जाए, फिर अंकल कह रहे थे वो चला रहे, तो फिर लग रहा था। चार भी कैसा था? मजा आया था। फिर जब मैंने और रिंकी ने पैराग्लाइडिंग की थी तो हमने अपना वीडियो भी शूट करवाया था, और इस तरह से ही वीडियो आता है जो ये लोग शूट करते हैं, पूरा आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो और कई बार आपका फेस भी दिखता है जब एकदम क्लोजअप लेते हैं। तो अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है लेकिन चढ़ाई हर जगह इतनी ज़्यादा है ना,
ऐसे रुक रुक के सांस ले लेके जाना पड़ता है। तीन जगह स्टॉपेज ले लिया मैंने झील से ऊपर आने के लिए। आप देखते हैं लोग जगह जगह बैठ जाते हैं आधी अधूरी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यार। तो गाइस अब हम लोग लौट के देहरादून की तरफ आ गए हैं और बस का टाइम हमारा 8 बजे का है रात तक, लेकिन अभी केवल 1:30 बज रहा है। तो हम क्या करें, पहले हम झरीपानी फॉल्स जा रहे थे, लेकिन झरीपानी फॉल्स क्या सिर्फ ट्रैकिंग का रास्ता है, सिर्फ पैदल जाना होता है आपको, और इतनी धूप में बच्चों के साथ 1.5 किलोमीटर पैदल जाने की हमारे अंदर तो हिम्मत थी नहीं। तो फिर वो आइडिया हमने ड्रॉप कर दिया और अब हम देहरादून आ चुके हैं और एक पार्क में रुके हुए हैं हम, MDDA पार्क है कोई, यहाँ हम स्टे कर रहे हैं कि यहाँ थोड़ी देर हम निकालेंगे, बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर लेंगे पार्क में, थोड़ा सा जो इतनी धूप लग रही है थोड़ा यहाँ छाँव में बैठ जाएंगे और इसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमें ये टाइम तो निकालना पड़ेगा, अभी होटल तो है नहीं हमारे पास में। तो ये पार्क मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ये पार्क जहाँ पर आपका टिकट चार्ज भी लगता है। एडल्ट्स का जो चार्ज होता है वो 30 रुपये है और जो बच्चे हैं 9 साल से छोटे उनका कोई नहीं है इनका टिकट, और 9 साल से बड़े बच्चों का टिकट 10 रुपये लगता है, हाफ टिकट जो ये बोलते हैं इसको। पार्क ठीक है, बस थोड़ा सा बंदरों का डर यहाँ ज़्यादा है, लेकिन उसको भगाने के लिए एक आदमी हमेशा यहाँ खड़ा रहता है क्योंकि काफ़ी नॉटी बंदर है यहाँ के। और एक अट्रैक्शन का पॉइंट यहाँ पे जैकफ्रूट प्लांट है, प्लांट नहीं कहूँगी ट्री को, जैकफ्रूट ट्री है यहाँ पे इतना बड़ा, जिस पर देखो आप देख सकते हो ये कटहल लटके हुए हैं, बहुत सारे कटहल लटके हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने पहली बार कटहल का पेड़ देखा है। तो ये है पार्क जहाँ हम थोड़ी बहुत देर बैठेंगे। ये देखो कितना अच्छा मैसेज दिया हुआ है हाथ के अंदर प्लांट को, ये हाथ के अंदर जो ट्री निकल रहा है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा है ये जो पार्क है। तो यहीं थोड़ी बहुत देर हम लोग स्टे करेंगे। सो गाइस अभी हो रही है शाम और हम लोग आए हैं एक मॉल में, क्योंकि गार्डन में बैठे बैठे हम बोर हो रहे थे, वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं था। सो गाइस उस पार्क को हमने अब छोड़ दिया है और अब हम आ गए हैं यहाँ के पैसिफिक मॉल में घूमने के लिए, क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते थे, जितना टाइम हमारे पास है नहीं, 1.5 घंटे का टाइम है, फिर हम लोग लंच करें अपना, सॉरी फिर हम लोग कुछ खाएंगे और अपनी बस पकड़ेंगे सीधे। तो हम चलते हैं पैसिफिक मॉल। हम अपने शहर का मॉल नहीं घूमते ज़्यादा अब, लेकिन हम अब यहाँ देहरादून का मॉल घूमने आए हैं। गाइस ये है सब लोगों की बिल्कुल बैटरी डाउन हो चुकी है, क्योंकि जब ट्रिप शुरुआत होती है ना तो बड़े एनर्जेटिक होते हैं सारे, और जब ख़त्म होता है ना सब रो रहे होते हैं, अरे यार निकल गए सारे दिन हमारे, यही हाल कुछ मेरा भी है। और ये है मॉल। शिव कैसा लग रहा है, ट्रिप एंड हो गई? बुरा। कैसा लग रहा है आपको? याद आ रहा है जब हमने फोन पकड़ रखा था और कहा था कि आज सब लोग जाने वाले हैं, है ना, वही दिन याद आता है जिस दिन हम ट्रिप के लिए निकलने वाले थे, बट क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस मॉल को एंजॉय करते हैं और फिर हम पकड़ेंगे अपनी बस। ये सन्नी है, इसे घड़ी का कुछ ज़्यादा ही शौक है, जहाँ भी इसे घड़ी मिलती है खड़ा हो जाता है देखने के लिए हमेशा। मनाली में भी ये घड़ी ढूंढ रहा था, यहाँ भी ये घड़ी ही ढूंढ रहा है। तेरा अलग ही क्रेज है ना घड़ी का। तो गाइज हम पैसिफिक मॉल पूरा ऐसे ही घूम रहे थे, क्योंकि हमें कुछ लेना तो था नहीं, बस अपना टाइम पास करना था कि हमारे बस का टाइम हो जाए और हम निकल जाएं। बस ये अच्छा था कि मॉल में हमें AC मिल गया था तो गर्मी नहीं लग रही थी, तो हमने सोचा यही टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ कपड़े देखने के लिए चले गए थे कि कुछ अगर समझ में आ गया तो ले लेंगे, वरना कोई बात नहीं। इतने में बच्चों को भूख लगने लगी। ये है का फूड कोर्ट, बच्चों को भूख लगी है तो हम कुछ खिलाने के लिए आ गए हैं फूड कोर्ट में। क्या खाना है? बर्गर। ओके बर्गर स्टार में बोल रही है, बर्गर नहीं होता, बर्गर होता है। हाँ बर्गर, मैं भी इसी बोलती हूँ ना, बर्गर। क्या होता है? बर्गर। ओके बर्गर। तो गाइस अभी हम बैठे हुए हैं बर्गर किंग पर एंड आई हैव ऑर्डर 6 बर्गर। हम 6 लोग हैं, हम 6 लोग मिलकर बर्गर खाएंगे यहाँ बैठ के। थोड़ी देर हमें सिटिंग भी मिल जाए किसी बहाने और कुछ पेट में भी चला जाएगा, क्योंकि हमें अभी कैसे भी करके 2 घंटे और निकालना है, हमारी बस में 2 घंटे का टाइम है। तो इन्जॉय करेंगे हमारा बर्गर। हमारा जो नंबर है 709 है, 5 मिनट में मेरा ऑर्डर आने वाला है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? लेकिन अब आपको घर जाना है। क्या बोला? गेम जाना। मैंने बेटा 70,000 सुने तो मैंने बैठ गए। आपको कोई दिक्कत नहीं?
पूछो मम्मी से पे, मम्मी को बोल दे। ये सन्नी बिल्कुल पागल है, इसने बिल का क्या बना दिया ये? अभी हमें बिल दिखा के ही ऑर्डर मिलेगा भाई। ऑफिस में ही बना के ना ऐसे काम में खुद ही करते थे। जी बिल है तो अभी कम से कम बर्गर तो लाने दे भाई, उसके बाद ही बना लेना। पागल हो गए ये लोग सब। बहुत गंदी बात, बहुत आड़े देखो। खा लो सभी, टेक योर वन वन बर्गर। चलो हम लोग देहरादून आए हैं बर्गर खाने, बर्गर किंग से। गाइस अब हम मॉल से भी निकल रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम हमने यहाँ निकाल दिया है और अब हम लोग जाएंगे गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि हर जगह के गोलगप्पे खाना मस्त होता है हमारे लिए। तो हम यहाँ के जाएंगे गोलगप्पे खाने, फिर हमको बहुत सिंपल खाना खाने का मन है, क्योंकि 4-5 दिन से इतना कुछ खा रहे हैं कि पक चुके हैं। तो अब उसके बाद फिर हम दाल रोटी खाएंगे, पहले गोलगप्पे खाएंगे, फिर हम जाएंगे अपने ISBT अपने वाहनों को। तो रोड के उस साइड हमारी गाड़ी खड़ी है, तो चलिए उधर रोड क्रॉस करना है। तो गाइस टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है इसका एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। 4 दिन पहले हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, जब आए थे इसी बस स्टैंड पर आए थे और हमारी कैब आने वाली थी और हम वेट कर रहे थे, और आज हमारी कैब हमें छोड़ के चली गई है और हमारी बस खड़ी हुई है और हम वापस जा रहे हैं अपने घर। बहुत मज़ा किया इस ट्रिप पर टूशरी, और अब जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि, बट ठीक है कोई बात नहीं। बाय बाय देहरादून, बाय बाय मसूरी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का, 4 दिन का जो भी रहा बहुत इन्जॉय किया, सारे एडवेंचर्स, सारी नेचुरल ब्यूटी। हाँ थोड़ी गर्मी थी, थोड़ी गर्मी थी, जो मौसम हम सोच रहे थे वैसा मौसम नहीं मिला, बारिश भी हमें नहीं मिली, बट नो इश्यूज। तो यहाँ हमारी ट्रिप एंड होती है गाइस। बस ये हमारी बस खड़ी है RSRTC जो पहुँचाएगी हमें हमारे जयपुर, लेकिन हम फिर से प्लान करेंगे कभी कोई और टूर। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।